शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ मुरैना से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों के हौसले किस कदर यहां बुलंद है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बता भी रहे हैं। बंदूक के दम पर फिल्म स्टाइल में यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप से 20,000 लूट कर फरार हो गए कर्मचारियों से बदमाशों ने मारपीट तक की है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लूट और मारपीट की जो फुटेज है वो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया, सराय छोला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, तो सत्येंद्र तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस कदर मुरैना में अब बदमाशों को जरा सा भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जिले में घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो फायरिंग की घटनाएं हो या लूट डकैती या हत्या जैसी घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिले में फेल हो गया है। जिस तरीके से जो बदमाशों में अंकुश लगाना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इसका एक और कारण है कि पुलिस अधीक्षक है वो लगातार अपने विभाग और अपने अधीनस्थों पर अंकुश लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन बदमाशों के आगे पूरी पुलिस नतमस्तक है। इसलिए पुलिस जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो लूट की घटना को अंजाम दिया है, हथियारों की दम पर जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट भी की जाती है, और मारपीट के साथ साथ ये देखने में आया है 20,000 रुपए का उसको भी लूटकर और बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस को सराय छोला पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, वो पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात ये आती है कि जब घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं उसके बाद भी पुलिस यही कहती है कि सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित होते, इससे ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश है उनके कहीं ना कहीं हौसले इतने बुलंद है और पुलिस इन बदमाशों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक होती नजर आ रही है। क्योंकि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, इससे पहले अगर देखी जाए तो जिले में कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें फायरिंग हुई है, फायरिंगों में लोग घायल हुए हैं या अवैध हथियारों से फायरिंग की वीडियो वायरल हुए हैं, या तमाम सारी जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी दोषी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बदमाशों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, तो सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा कि आखिर आरोपी कब तक गिरफ्त में आता है, जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया।